गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और इस वीडियो में मैं आया हूं जो एक मैजिकल जगह है, बहुत ही मैजिकल प्लेस है, चैतुरगढ़। और बिलासपुर से अप्रॉक्स 80 किलोमीटर है। पहले आपको बिलासपुर से पाली आना होगा, जो कि 50-55 किलोमीटर है। पाली से फिर एक लेफ़्ट टर्न है और वहाँ से 30-32 किलोमीटर है चैतुरगढ़। पाली से फिर आप लाफा आएंगे और लाफागढ़ के बाद फिर आप लाफा के बाद आप आएंगे जेमरा। जेमरा से आपको राइट लेना है। हर जगह बोर्ड लग चुका है तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी आने में। और जो रूट है, बीच के जो सीनिक ब्यूटी है, वो मतलब ब्रेथ टेकिंग है। आपको फॉगी वेदर है, पूरा पहाड़ पे पूरे फॉग दिखेंगे, पूरा धुंध धुंध, और किसान खेत में काम कर रहे हैं, बच्चे हैं, गाँव है, तो बहुत लाइवली लगता है। और जो रास्ते हैं, जो कर्व्स हैं, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये जगह छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलना मुझे इस जगह को सही नहीं लगता। ये जगह अपने आप में अलग है, आप किसी भी जगह को कंपेयर नहीं कर सकते किसी जगह से। ये मैजिकल जगह है। और उसके बाद नीचे आप आएंगे, वहाँ पर आपको गाड़ी अपनी खड़ी करनी पड़ेगी। अभी क्या है, रोड ऊपर बन रहे हैं और रोड ख़राब हो चुका है, पत्थर गिरने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, तो गाड़ियां ऊपर अभी आना अलाउ नहीं है। वन वीक में अप्रॉक्स चालू हो जाएगा। तो बस चलिए, थोड़ा सा सफ़र है, थोड़ा मेहनत है, और साथ साथ वीडियो बनाते आपको दिखाते हुए चलते हैं। एक चैतुरगढ़ पे एक फिल्म मैं बहुत दिन से बनाना चाह रहा था। बस चलिए चलते हैं और आगे मिलता हूँ आपसे। अभी मैं गर्गस तालाब के पास हूँ और ये जगह के बारे में जितना कुछ बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जगह के बारे में बोलने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। और चैतुरगढ़ का जो किला है, वो नेचुरली बना हुआ किला है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने जो बताया है कि सबसे मजबूत किला है इंडिया में, उसमें से एक है चैतुरगढ़ का जो किला है, ऐसा बोला जाता है उसे। और इसमें तीन द्वार हैं मेन, एक सिंह द्वार है और दो और द्वार हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। सिंह द्वार आप जब ऊपर आएंगे तो रास्ते में ही आपको दिख जाएगा। और जैसे ही आप ऊपर आते हैं, मेन टेंपल है, टेंपल में आप पूजा कर सकते हैं। और टेंपल के जस्ट राइट साइड में ही आपको यहाँ
गर्गज तालाब है यहाँ पे, और ऊपर जाएंगे आप तो बूढ़ा देव का मंदिर है, ऊपर गर्गज पहाड़ है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे बैठ के फील करने के लिए कुछ जगहें होती हैं, ये वैसा जगह है। यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कभी कभी आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बैठ के इन ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पे आते हुए फील करना चाहते हो। और जब आप चल के आते हो तो जो इन हवाओं, इन वादियों के बीच आपका जब पसीना सूखता है, तो वो फीलिंग, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको वो नहीं बता सकता, आप जब आएंगे तो वो चीज़ें फील कर पाएंगे। यहाँ पे लोटस है और पेटल्स हैं जो बारिश की बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं जो पत्तियों पे हैं, तैर रही हैं। इससे ज़्यादा लाइवली क्या हो सकता है, क्या जगह हो सकता है इससे ज़्यादा लाइवली। और इस इधर आगे एक हेलीपैड भी है, मैं देखता हूँ वहाँ तक जब मैं चल के जाता हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और यहाँ ऊपर में 5 तालाब हैं टोटल, जिसमें से 3 में पानी रहता है हर समय, उसमें से एक तालाब ये है। कभी मैं आपको बारिश जब और होगी अगस्त में तो मैं आऊँगा और कोशिश करूँगा आपको पूरा ये जो एरिया एक्सप्लोर कर पाने की। और जो ऊपर मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी देवी माता का मंदिर है, नवरात्रि के समय बहुत भीड़ होती है यहाँ। बस चलिए चलते हैं आगे, वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, आपको और दिखाते हैं यहाँ पे जो भी है। और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है अभी तक। आपने देखा ये मंदिर है, मंदिर के पंडित जी वहीं पे रहते हैं। कई बार मंदिर बंद रहेगा तो आप पूछिएगा किसी से, पंडित जी कई बार नीचे जाते हैं, कुछ उन्हें भी काम होता है तो जब वो आते हैं तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ये सेट टाइप का बहुत जगह बना है बैठने के लिए। तो मंदिर परिसर के बाहर आप अगर कुछ खाते पीते हैं तो परिसर के बाहर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैठिएगा। और ये बाहर में ही, जैसे ही आप इन करेंगे उसके बाहर राइट साइड में एक शेड है, तो आप यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। और ये जो महिषासुर मर्दिनी हैं, ये जो माता हैं, देवी हैं, ये स्वयंभू मूर्ति है उनकी, ये जो मूर्ति है जैसा कि मुझे यहाँ के पंडित जी ने बताया। और महिषासुर का वध करने के बाद वो यहाँ आई थी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके फीडबैक पे वीडियोज़ बहुत डिपेंड करते हैं। और यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो इस जगह को साफ सुथरा रखिएगा, बस यही मेरी एक आपसे विनती है, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा जगह आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, आप बस इसे बचा के रख सकते हैं। ये कोई अर्बन लाइफ नहीं है जो आप रिक्रिएट कर सकें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब निकलता हूँ यहाँ से मैं बिलासपुर के लिए, अभी नीचे भी उतरना है। और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राइड सेफ and always wear your helmet. Peace. चैत्रगढ़ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रणाम, और यहाँ आइए, बढ़िया माता का दर्शन कीजिए। और हमारा एक छोटी सी कोशिश रहता है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको मैं 30 रुपये में दाल चावल सब्जी भर पेट भोजन सुविधा प्रदान करने का कोशिश करता हूँ, लोगों को 30 रुपये में भोजन खिलाने का प्रयास करता हूँ। और ये अवसर